ओम शांति। और एक बार ऐसे ही दादी कैसे याद रखती है, जब दादी को जापान जाना हुआ था तो दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादा विश्वरत्न, आनंद किशोर दादा, ये बाबा ने तीनों को भेजा। तो जाने की जो टिकट थी वो गंगे दादी ने यहाँ के माताजी बाबूजी को कह करके दिलाया था। तब से दादी हमेशा कहती थी, गंगे तुमने मुझे विदेश भेजा, तुमने मुझे जापान सेवा में भेजा, मेरी दिल कहती है कि मैं तुमको सारे वर्ल्ड का चक्कर लगवाऊँगा, मैं रिटर्न करूँगी तुम्हें, मैं रिटर्न करूँगी। तो दादी किसी का रखती नहीं थी, गंगे दादी को फिर ले जा करके सारा टूर कराया विदेश का। दादी ने सारा खर्चा किया। बोली, गंगे तुम्हें पैसे से क्या मतलब है, कितना टिकट लग रहा है, क्यों पूछती हो, मैं तुमने मुझे भेजा, मैं तुमको भेज रही हूँ। तो दादी ने कभी किसी का एहसान नहीं रखा, दादी ने रिटर्न किया। अगर किसी ने एक किया तो उसका दो गुना प्यार दादी ने दिखाया, तन से भी दिखाया, मन से भी दिखाया, धन से भी दिखाया करके, स्नेह से भी दिखाया, तो सम्मान से भी सिखाया। दादी ने सम्मान दिया तो उसका दुगना सम्मान दिया है। और दादी सदा संतुष्ट रही, कभी किसी से असंतुष्ट नहीं हुई। कभी दादी के मुख से नहीं सुना होगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ऐसा कभी दादी ने नहीं बोला। दादी का दिल इतना विशाल, निश्चल, पवित्र, वास्तव में वो प्रकाशमणि दादी, दादी प्रकाश फैलाने वाली, सबको रोशनी देने वाली,